जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारत के वीर जवानों की शहादत को हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने गुरुवार को गोलघर लाल जमा मस्जिद मजार कमेटी और पुरदिलपुर वार्ड के नागरिकों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी और नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बाबा तोता मैना की मजार पर श्रद्धांजलि दिया। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, जितनी जगह रहेंगे पीछे चलो बाहर आप यहाँ चलेगा ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान पे हमला करो हमला करो हमला करो, पाकिस्तान पे हमला करो हमला करो हमला करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान शाकिर अली सलमानी, संरक्षक हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी उत्तर प्रदेश गोरखपुर। आज तोता मैना मजार पर हम लोग लाल जामा मस्जिद कमेटी के इमाम जाकिर अली सलमानी साहब और डॉक्टर एम सिराज सलमानी साहब की कयादत में और मनु जायसवाल पूर्व डिप्टी मेयर साहब, हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के जानिब से आज इस गोलघर की सरजमी पर मुस्लिम समाज द्वारा असर की नमाज के बाद हम लोग निकले हैं जुलूस लेकर कि पाकिस्तान ने जो हमला किया है, कायराना हमला हमारे भारतीय सीआरपीएफ के जवानों पर, अगर जो प्रधानमंत्री महोदय आदेश करें तो हम गोरखपुर के लोग ही बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं। हम इतना कलेजा इतना हिम्मत रखते हैं कि इस पाकिस्तान के 18 करोड़ की आबादी को हम 1.5 अरब के इस हिंदुस्तानी लोग हम लोग खुद ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है कि पाकिस्तान पर हमला करिए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दीजिए। पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ, पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ। तोता मैना मजार, तोता मैना मजार पर आज हम लोग खड़े हैं, बाबा की दरगाह सामने है और बाबा से भी दुआ है कि अल्लाह से दुआ करें कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को या तो सद्बुद्धि मिल जाए और या तो वो नष्ट हो जाए। आज हिंदू मुस्लिम एकता समिति द्वारा जो 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के जवानों पर जो कातिलाना हमला हुआ है, हमारे शहीद हुए हैं, तो वो सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके शहादत के लिए आज कैंडल मार्च निकाला गया। वास्तव में पूरा देश एक है, न आतंकवादी न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, ना उन्हें किसी जाति धर्म से कोई सरोकार है। इसका ये जीता जागता मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम एकता मंच द्वारा ये कैंडल मार्च निकाला गया। आज पूरा देश मर्माहत है और सभी यह चाहते हैं दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटना है तो मिटना है, और पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं कब्रिस्तान बनाना, ये हम लोग दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। बहुत बहुत पूरे आतंकवाद के खिलाफ भारत की जनता सड़कों पर है। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर सभी शहरवासी आतंकवाद को भारत सरकार से मांग करते हैं कि उसके जड़ से समाप्त किया जाए, चाहे जितने भी कुर्बानी देना पड़ेगा। इस आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ खड़े हैं और सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ज़रूरत है एकता बनाए रखने की, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता और देश के प्रजातंत्र के बचाने के लिए एकता बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा देश एक साथ खड़ा है और जब तक
हम आतंकवाद को समाप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये एकता ये बताती है, हम संदेश देते हैं दुनिया को कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा भारत एक साथ खड़ा है। सरकार इस पर शीघ्र निर्णय करे, जो भी निर्णय सरकार करेगी, भारत की जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ खड़े हैं। जय हिंद।